देखो, खुशखबरी तो यार बहुत ज्यादा फैल रही है कि आपके सिलेबस को सीबीएसई ने बहुत हद तक कम कर दिया। अब तो यार कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनो सुनो, वो हाफ इन्फॉर्मेशन है, हाफ नहीं, बहुत ही हाफ इन्फॉर्मेशन है। एनसीईआरटी ने आपकी एक नई किताब निकाली, हाँ आप जाकर के देखोगे अगर आपको नहीं पता। उसके अंदर आपके ना काफी चैप्टर्स को कट कर दिया गया है, बहुत सारे चैप्टर्स कट चुके हैं, फिर बहुत सारे आपका जो है पार्ट कट चुका है, चैप्टर्स कट चुके हैं। तो अब बच्चों को लग रहा है कि यार सिलेबस कट चुका है, अब सिलेबस कट चुका है, सीबीएसई का नया सिलेबस आ चुका है। बट रुको, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको नहीं पता और अभी आपके मन में क्वेरी डेवलप हो जाएगी, क्या सिलेबस को और कम किया जाएगा। अब सुनना ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर आपके मन में एक क्वेरी आई होगी, क्योंकि अभी जो ये सिलेबस आपका निकला है ना, ये आपका सिलेबस निकाला बाबू एनसीईआरटी ने। अभी आपका सिलेबस आना बाकी है जो कि सीबीएसई की तरफ से आएगा। यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि सीबीएसई ने सिलेबस को कम कर दिया, सीबीएसई ने सिलेबस को कम कर दिया, इसलिए मैंने लिखा सीबीएसई को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी। बट वो एनसीईआरटी ने आपको खुशखबरी दी है, तो जो चैप्टर्स एनसीईआरटी ने काट दिए वो आपके हमेशा के लिए कट चुके हैं, मतलब कि वो अब आपके इस साल में तो नहीं आएंगे, ये तो पक्का हो चुका है, गारंटी के साथ है। बट सीबीएसई जब आपका सिलेबस इंट्रोड्यूस करेगी या फिर आईसीएसई या फिर जहां पर भी आपका एनसीईआरटी लगती है ना, वहां पर आपका एक नया सिलेबस अभी इंट्रोड्यूस होगा, जिसके अंदर आपको ऑफिशियली बताया जाएगा कि आपका और कितना जो है वो कम किया गया है सिलेबस। यस, अभी इतना होना बाकी है, अभी एनसीईआरटी ने निकाले, आप खुश मत हो, अभी और भी कम हो सकता है, कोई बहुत चांसेस है यार, बहुत चांसेस है। तब तक मैंने आपके सिलेबस को डाल रखा है, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी या फिर आपको देखना है कि सिलेबस क्या है तो आप लोग जाकर के देख सकते हो। बट ऐसा ही होने वाला, अभी सिलेबस का सीबीएसई का सिलेबस अभी नहीं आया, अभी आना बाकी है। इसके बाद दूसरा, क्या जेई नीट में भी कम होगा सिलेबस? यार एनसीईआरटी आपकी घट चुकी है तो क्या यार जेई नीट में भी हमें फायदा मिलेगा? मेरे को जो चांसेस लगते हैं कि इस साल जो आपका हुआ है ना उसके अंदर तो बिल्कुल नहीं होगा, बट चांसेस है कि एनसीईआरटी बुक को अगर रिवाइज किया गया, एनसीईआरटी बुक को अगर चेंज किया गया, भाई देखो मेरे को पक्का नहीं पता, बट यहाँ पे हो सकता है कि जो एनसीईआरटी में आपका इंक्लूड है ना इस समय, वही आपका कंसीडर किया जाए, मतलब जो अब कट चुका है एनसीईआरटी में वो आपका जेई नीट से भी शायद बाहर कर दिया जा सकता है। क्योंकि यार देखो, पढ़ने को क्या कहा जाता है हमें, एनसीईआरटी ना, जब जेई नीट की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी में से ही कट गया है, तो हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि यार आपका जेई नीट से भी अगले साल से या फिर अगले, देखा जाएगा वो 2024 या 25 जो भी है, वहां से आपका जो है सिलेबस जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है जेई नीट के अंदर। ये पॉसिबिलिटी है, अभी पक्का नहीं बाबू, ठीक है? तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं और मिस इन्फॉर्मेशन से बचा करो यार, काहे भागते रहते हो इधर उधर, ठीक है? धन्यवाद।